सिरकी प्रखंड के नस्खा गांव के रहने वाले तंजल और रहमान अलग मिसाल पेश करते हुए मधुमक्खियों और भंवरों को पानी पिलाते हैं, जिस वजह से इन दिनों उनकी खूब चर्चा हो रही है। तंजल और रहमान से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों को पानी पिलाने की बात तो सभी करते हैं, लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि मधुमक्खियों और भंवरों को भी पानी पिलाया जाता है? जी हाँ, गया के पक्षी प्रेमी तंजल और रहमान खान उनका भी ध्यान रखते हैं। उन्हें पानी पिलाने के लिए तंजल ने खुद से स्पेशल गमले बनाए हैं, जिससे पानी रिसता है, जिसके जरिए हजारों की संख्या में मधुमक्खियां और भंवरे पानी पीते हैं। तंजल और रहमान खान ने बताया कि वह पक्षियों के लिए अपने घर के आंगन में ही पानी की व्यवस्था करते हैं। तंजल पेड़ पौधों को संरक्षण देने के साथ ही गौरैया पक्षी सहित कई दुर्लभ प्रजाति के पक्षियों को भी संरक्षण देते हैं। उनके घर के आंगन के ऊपर सैकड़ों गौरैया पक्षियों ने घोंसला बनाया है। अत्यधिक गर्मी पड़ने पर वह घोंसलों के ऊपर शाम में पानी का छिड़काव करते हैं, ताकि गर्म हवा पक्षियों को ना लगे। वहीं उन्हें दाना भी देते हैं। यही वजह है कि विलुप्त होने वाली गौरैया तंजल के घर के आंगन में चहकती रहती है। पानी की व्यवस्था है जो चिड़िया है उसके लिए अलग बना हुआ है, और कीट है छोटे छोटे, जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी में कई प्रकार की मधुमक्खी आती है, गिरनी है, गिरना है, तो सब आके पानी पीते हैं। और पानी की पूरी तरह से व्यवस्था है, और यहाँ पर छप्पर पे जैसे पानी मारना पड़ता है, पानी मारते हैं तो ठंडक रहती है, जिससे उसका तो बच्चा जो है डेवलप हो जाता है, फुसा जाता है, नहीं तो हीट में लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। टेम्परेचर जो है इनको पसंद नहीं है, और अभी जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो दिन भर में 5-6 बार पानी मारना पड़ता है गमला में जो है। तंजल बचपन से ही पर्यावरण से काफी लगाव रखते हैं, और यही वजह है कि उन्होंने अपने घर के बाहर बगीचे में पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। उन्होंने दूसरे लोगों को भी पर्यावरण के संरक्षण का संदेश दिया है। दूरदर्शन समाचार के लिए गया से प्रेम प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। स्वास्थ्य सेवा